जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एयर्स 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फोर। किससे रिलेटेड है? शेयर बेस्ड पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, मतलब ये आपका वाला टॉपिक है जो आपने 12th स्टैंडर्ड में शेयर्स में पढ़ा होगा, कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम सामने वाले से सामान खरीदते हैं तो इन जनरल क्या होता है कि हम उसको कैश देते हैं, सामान खरीदते हैं और कैश देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सामान तो खरीदेंगे लेकिन कैश नहीं देंगे, कैश की जगह क्या देंगे? हम अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर। ठीक है, तो हम शेयर बेस पेमेंट करेंगे। कैसा पेमेंट करेंगे? शेयर के बेसिस पर। क्लियर? इन्होंने कितने इशू करे हैं? 995 शेयर्स। अब यहाँ पर याद रखना, कितने इशू करे हैं? 995 शेयर्स। ठीक है, ये जरूरी है। नंबर ऑफ शेयर्स वैसे अपन को कैलकुलेट करने पड़ते हैं, पर यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको सीधा सीधा गिवन है। इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, और परचेज क्या कर रहे हैं अपन? ऑफिस बिल्डिंग, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग हमारी आएगी और बदले में हम उसे कैश नहीं देंगे, क्या देंगे? शेयर देंगे। ठीक है, The title was transferred in the name of Indian Incorporation on February 2011. ठीक है, एंड शेयर्स वर इशूड। अब ये जो टाइटल है वो हमारे पर ट्रांसफर हो गया, कब हो गया? February 2011 को। एंड शेयर्स वर इशूड, यानी कि शेयर इशू हो गए। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रही? ये रहा। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वॉज 2 लाख रुपीज, यानी कि ये जो ऑफिस बिल्डिंग हमारे पास आई है इसका फेयर वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपए। एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन वॉज 100 रुपीज, यानी कि ये जो अपन ने दिया है नंबर ऑफ शेयर, इसका फेस वैल्यू जो पर शेयर है वो कितना है? 100 रुपीज। यानी कि नंबर ऑफ शेयर भी गिवन है, फेस वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, और ऑफिस बिल्डिंग का भी कॉस्ट गिवन है। तो सीधा सीधा अपन को क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपन ने उनसे ऑफिस बिल्डिंग खरीदी है और बदले में हमने उनको शेयर्स दिए हैं। शेयर्स का आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है और उसका फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपीज भी गिवन है। बस इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटू सा इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर लिखिए इंड एयर्स 102 इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? जनरल एंट्री, जिसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट कब होगी? जब हमारे पर टाइटल ट्रांसफर होगा, दैट इज 2011 ले लो। ठीक है, उन्होंने बोला था फरवरी को टाइटल बिल्डिंग का हमारे पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी बिल्डिंग कब हो जाएगी? 1 फरवरी को। तो ऑफिस बिल्डिंग आएगी तो वो डेबिट हो जाएगा, तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अच्छा, बिल्डिंग का अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए। बिल्डिंग का अमाउंट कितना था? 2 लाख रुपए, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। और बदले में कैश की जगह अपन क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। बस यहाँ पर ध्यान देना कि हमने उनसे बिल्डिंग 2 लाख की खरीदी है, लेकिन जो हम उन्हें शेयर दे रहे हैं वो कितने के देख रहे हैं? देखना, 9995 शेयर थे और इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू से अमाउंट जाता है, तो ये आ गया 99,500। कितना आ गया? 99,500। अब ये देखो, बिल्डिंग हम उनकी खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए की, लेकिन उन्हें शेयर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99,500 के। इसका मतलब हमारे जो शेयर है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमारे शेयर महंगे वाले हैं, हमारे शेयर प्रीमियम वाले हैं, तो इसमें प्रीमियम भी होगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। वैसे तो ये बचपन वाला क्वेश्चन है जो हम 12th स्टैंडर्ड में करते थे, बट अगर किसी को शेयर्स तब समझ में नहीं आए या फिर वो साइंस का है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो ऑफिस बिल्डिंग के बदले में हमने उनको क्या दिए? शेयर्स दिए, और शेयर्स कौन से? सस्ते, मतलब प्रीमियम वाले शेयर्स। ठीक है, इसी वजह से जो फेस वैल्यू है वो उसका कम है और बाकी प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, बहुत छोटू सा क्वेश्चन था और थोड़ी देर में कंप्लीट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे आते तो नहीं है, पर एक आध एडजस्टमेंट में आ जाए तो आप कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है,
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट से चैनल को। और आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।